आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम एडवांस एक्सेल की बेसिक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। हमारे साथ मिस्टर सिद्धार्थ जी हैं और सिद्धार्थ जी के साथ हम फाइल मेनू बार के जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सिद्धार्थ जी, क्लास शुरू करता हूँ जस्ट फ्यू सेकेंड्स में। तो यूट्यूब पे जो मेरी वीडियोज देख पा रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें अच्छा लगे तो। और इस पूरी सिक्वेंसली वीडियो जो आपको चाहिए तो मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे साथ ऑनलाइन लाइव क्लास जिसको लेना चाहे तो, जैसे सिद्धार्थ जी भी मेरे साथ ले रहे हैं रात के 10 बजे, ऐसे आप हमारे साथ लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग क्लासेस ले सकते हैं। इसके लिए मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाएं और डेमो क्लास का फॉर्म भर दें। डाउनलोडिंग ऐप की जो डाउनलोडिंग लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सारे कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ दिया हुआ है, आप इस डिस्क्रिप्शन को देखें, वहाँ पर सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम जो बात करने जा रहे हैं फाइल मेनू बार की, राइट। फाइल मेनू बार से पहले हम हेल्प एंड सपोर्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप ट्रेनिंग शुरू किए हैं और मैं आपको हर एक चीज के बारे में डिटेल में बताता हूँ, ऐसा हो सकता है सिद्धार्थ जी की कुछ चीजें आप भूल जाए, आप ना समझ पाए, तो उस केस में क्या होगा कि कैसे पता चलेगा। मान लीजिए कि मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको पढ़ाया, बट कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप 6 महीने बाद, 3 महीने बाद या पढ़ाने के 1 हफ्ते बाद ही भूल गए, तो उस केस में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को दोबारा से कैसे जान पाएंगे। देखिए, उसके दो तरीके हैं। एक तो जो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग्स है, रिकॉर्डिंग्स आप देख सकते हैं या मुझसे ले सकते हैं, या फिर जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे कर्सर रखेंगे यहां इसका एक शॉर्ट नोट्स आ जाता है, ठीक है। मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करते हैं आप देखेंगे कि यहां आपको हेल्प एंड सपोर्ट आ गया। यहां से आप चीजें इसके बारे में पूरी डिटेल्स में वीडियोज एंड पूरी एक एक डिटेल में यहां से देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और सर्च करना है तो F1 प्रेस करेंगे तो हेल्प एंड सपोर्ट आएगा, सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे सर्च करना है लिमिट्स, राइट, तो क्लिक कीजिए एक्सेल हेल्प सपोर्ट में, आपको यहाँ पे गूगल की तरह सर्च रिजल्ट दिखेगा। जैसे यहाँ पे एक्सेलिफिकेशन है लिमिट, जहाँ पे आपको एक्सेल के सारे फीचर्स की मैक्सिमम लिमिट पता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हम जनरली जो है हम गूगल पे जाके सर्च करते हैं ना सर, हम जनरली गूगल पे जाते हैं और सर्च करते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि हम एक्सेल हेल्प में आपको जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं। एक्सेल हेल्प में जो चीजें मिलती है प्रूफ रीड मिलता है, गूगल पे जो चीजें मिलती है प्रूफ रीड नहीं होता है। अब गूगल पे जो इंफॉर्मेशन मिलता है वो किसी वेबसाइट किसी के आर्टिकल से मिलता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट उसको सर्टिफाइड नहीं करता है, प्रूफ नहीं करता है कि वो सही है, हो सकता है गलत हो। कई बार आपने देखा होगा कि आपने इंटरनेट पर कुछ चीज देखी होगी और जब उसको एक्सेल पे अप्लाई किया होगा तो अप्लाई नहीं होगा, ओके वो इसलिए होता है। तो आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप एक्सेल के हेल्प में सर्च करें, वहां मिल जाए। जैसे मान लीजिए मुझे शॉर्टकट्स के बारे में जानना है तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट्स लिखूंगा, सर्च करूंगा, यहाँ पे मेरे शॉर्टकट्स आ जाएंगे, लिस्ट आ जाएंगे, ठीक है। कीबोर्ड शॉर्टकट इन एक्सेल, ये आपकी शॉर्टकट की लिस्ट आ गई। अब ये चीजें देख लीजिए क्योंकि मैं आपको क्लासेस में शॉर्टकट्स के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं खुद शॉर्टकट यूज नहीं करता जब से मैंने क्लास शुरू किया है, क्योंकि आप लोगों को मैं कीबोर्ड का एक्सेस नहीं होता कि मैंने कौन सा की प्रेस किया, इसलिए माउस पॉइंटर्स देखना था ताकि आपको पता चले कि मैं कौन सा ऑप्शन यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए आपको जो है दिक्कत हो सकती है। इसलिए पहली क्लास में आपको जो है हम बता देते हैं कि शॉर्टकट कहाँ मिलेगा। अब शॉर्टकट को दे तो दिया लेकिन क्या इस शॉर्टकट को कैसे आप मेमोराइज करेंगे, बात ये आती है। अब इसको आप रट्टा थोड़ी मारेंगे जैसे हम लोग बचपन में कविता रट्टा मारते थे, तो इसको रटने से कुछ नहीं होगा, इसको यूज करना होगा। कैसे यूज करेंगे तो जो हमारे साथ ज्वाइन करते हैं उनको मैं सलाह देता हूं कि आप अपने ऑफिस का ऐसा कोई टाइम निकालिए जिसमें आपके पास काम कम हो, ठीक है, आपके पास काम कम हो, ऐसा कोई टाइम जिसमें
आपके पास काम कम काम हो तो डेडलाइन ना हो कि मुझे आधे घंटे में इसको कर देना है चाहे 1 घंटे में करना है, क्योंकि शुरुआत में क्या होगा कि शॉर्टकट जो है आपको बहुत टाइम लगाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं रहेगा, हर शॉर्टकट देखना पड़ेगा। तो ऐसे टाइम में आप माउस को बिल्कुल यूज ना करें, सारा काम आप अपने शॉर्टकट से, एक्सेल से, शॉर्टकट से ही करें, कीबोर्ड से ही करें, धीरे धीरे आपका टाइम जो है कन्वर्ट हो जाएगा। अब शॉर्टकट से तो कह दिया, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि एक्सेल शॉर्टकट अवेलेबल नहीं है। उसके लिए आप अपने कीबोर्ड का ऑल्ट की, जी हाँ ऑल्ट की प्रेस करेंगे, तो ऑल्ट की प्रेस होते ही देखिए यहाँ पे जितने भी मेनू आ रहे हैं सबके आगे एक लेटर आ गया ना, ये शॉर्टकट है। जैसे मुझे होम मानू मेनू में मुझे कलर अप्लाई करना है, राइट, तो हम होम मेनू की बार के नीचे क्या लिखा, एच लिखा हुआ। जैसे मैं एच प्रेस करूंगा कीबोर्ड का, तो ये देखिए आपके सामने जितने भी इसके ऑप्शन है सबके आगे एक लेटर्स आ गए। वापस एज प्रेस करूंगा तो यहाँ पे कलर है, मैं अपना कलर सेलेक्ट करके एंटर कर दूंगा। राइट क्लिक करना है तो कीबोर्ड में देखिए राइट क्लिक का एक ऑप्शन होता है, राइट क्लिक कर सकते हैं, और राइट क्लिक पर जितने ऑप्शन आ रहे हैं हर एक ऑप्शन के नीचे अंडरलाइन है, अंडरलाइन जो है वो आपका शॉर्टकट्स है। जैसे कि सी है, कॉपी का सी है, ऐसे मान लीजिए मुझे फॉर्मेट सेल अप्लाई करना है तो एफ, तो मैं एफ प्रेस करूंगा तो ये आपका देखिए फॉर्मेट सेल का पॉपअप आ जाएगा। अब मैं टैब प्रेस करूंगा तो इसके अंदर जा सकता हूँ, टैब से, टैब एंड एरो की से मैं इसके अंदर मूव कर सकता हूँ जो भी करना है। अब मुझे अलाइनमेंट में जाना है तो कंट्रोल टैब करना पड़ेगा, कंट्रोल टैब से अगली बार आप चले जाएंगे तो फिर इसके टैब प्रेस कीजिए इसके अंदर मूव कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे इस पर क्लिक करना है तो इसमें दो तरीके हैं, एक तो जब W लिखा हुआ है वो प्रेस कर दीजिए क्योंकि तो W के नीचे अंडरलाइन है तो आपका अप्लाई हो जाएगा, या फिर आप स्पेस बार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेस बार। हेलो जी, हाँ मैं चाह रही क्लास में है था इसलिए क्लास के बाद कॉल करो आपने तो। यहां से जो आप यहां पे मर्ज पे भी स्पेस बार से भी क्लिक कर सकते हैं, तो कंट्रोल टैब से आगे की तरफ जा सकते हैं और कंट्रोल शिफ्ट टैब से पीछे की तरफ, कंट्रोल टैब से आगे और कंट्रोल शिफ्ट से, शिफ्ट टैब से पीछे की तरफ, और एंटर ओके और एस्केप कैंसिल तो पता ही है। तो कहने का मतलब है कि जो टैब शिफ्ट होता है हमेशा रिवर्स का काम करता है, जैसे मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ कर्सर नीचे आता है, शिफ्ट एंटर प्रेस करूंगा तो कर्सर ऊपर जाएगा, ऐसे टैब से आगे आता है शिफ्ट टैब करूंगा तो पीछे आएगा। ओके सिद्धार्थ जी, तो एक्सेल हेल्प की मदद से नई नई फीचर्स, नई चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। ये आपको एक कुंजी, हम लोग जैसे हम लोग पढ़ते थे तो कुंजी यूज करते थे ना सर, वो कुंजी के तरह इस्तेमाल किया जाता है, पता नहीं हम लोग तो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, लोग कुंजी कहते हैं, आप लोग कुछ और कहते होंगे। तो यहां अब बात करते हैं फाइल मेनू बार में। अब जैसे फाइल मेनू बार में जब क्लिक करेंगे तो आपके यहां पे सबसे पहले तो न्यू ब्लैंक वर्कबुक और आपके द्वारा यूज किया गया टेम्पलेट्स यहां पे आएगा, या फिर एक्सेल के बारे में बहुत सारे ट्यूटोरियल्स वगैरह भी यहाँ पे रहेंगे। मोर टेम्पलेट्स, मोर ट्यूटोरियल पे क्लिक करेंगे तो इसमें आगे की चीज़ें आ जाएंगी कि आपका ड्रॉप लिस्ट कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, पावर क्वेरी कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये सब चीज़ यहाँ दिया हुआ है, इसको देख सकते हैं। लेकिन नीचे जो अब दिखता है आपको आपका रिसेंट ओपन फाइल दिखेगा, जी हाँ इसके तीन कैटेगरी है, रिसेंट पिन एंड सेव विद मी। रिसेंट जो आप ओपन करते हैं वो आपको दिखेगा, लेकिन क्या होता है कि वो ये लिस्ट जो है फिक्स नहीं है, ये चेंज होते रहते हैं। जैसे मैं कोई और फाइल ओपन करूँगा तो आप देखेंगे कि ये लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एक्सेल एमआईएस वाला फाइल जो है हट जाएगा, इसके जगह पे डाउनलोड ऐप आ जाएगा और इसके नीचे कुछ और चला जाएगा। तो कहने का मतलब कि जो जो रिसेंटली फाइल है वो रिसेंटली फाइल का लिस्ट आपका फिक्स है। अब आपके पास कुछ ऐसा फाइल है जैसे डैशबोर्ड 4 ही आपका है जिसको आप हमेशा ओपन करते हो,
तो आप अगर इस बार बहुत सारे फाइल ओपन कर लेते हैं तो ये आपको लिस्ट से हट जाता है, फिर आपको शेयर ड्राइव के अंदर जाके वहां से जाके बहुत अंदर ही आपका फाइल रखा हुआ है वहां से इसको ओपन करना पड़ता है। तो यहाँ आपके पास पिन का निशान है, इस पर क्लिक कर देंगे तो पिन हो जाएगा। पिन हो जाने के बाद ये पिन वाले लिस्ट में चला जाएगा। तो यहां से लिस्ट जो है नहीं हटेगा, ये फिक्स है। तो इस लिस्ट में आप यहां से जो जो फाइल को पिन करेंगे इस लिस्ट में आ जाएगा। ऐसा क्यों करेंगे? आपके पास कुछ ऐसे फाइल होंगे जैसे मास्टर डेटा या कुछ ऐसी फाइलें होगी जिसको आपको डेली ओपन करना होता है, दिन में कई बार ओपन करना होता है, तो उस केस में इसका इस्तेमाल हम करते हैं। ओके, उसके बाद न्यू पे आते हैं। तो न्यू पे आपके साथ ब्लैंक, यहाँ पे बहुत सारे टैम्पलेट्स हैं। टैम्पलेट जो है आपके लिए बेनिफिट्स है, ये आपको समझाता है, बताता है कि क्या कैसे बनता है। जैसे कि आपको किसी ने बोला कि मुझे बैलेंस शीट निकालना है, बैलेंस शीट का एक बना के दो। अब आपके बैकग्राउंड अकाउंट से नहीं है, आप बैलेंस शीट के बारे में नहीं जानते, बट बॉस ने बोला है तो बनाना ही पड़ेगा। तो कहां से मदद लो, कैसे पता चलेगा कि बैलेंस शीट में क्या क्या होता है, कि कौन कौन से फील्ड होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? तो उसके लिए आप यहां पे बैलेंस शीट या शीट को सर्च कीजिए। सर्च करते हैं, यहां पे देखिए आ गया ना ब्लू बैलेंस शीट आ गया। ऐसे ही बहुत सारे इससे रिलेटेड आपको आ जाएंगे, क्लिक कीजिए एंड क्रिएट कीजिए। क्रिएट करने के बाद आप जो है इसको अपने हिसाब से फिल कर लीजिए, राइट। ये आपका एसेस का लिस्ट आ गया, ये आपका लायबिलिटीज का लिस्ट आ गया, और समरी में बता देता है कि आपका क्या है, टोटल बैलेंस शीट क्या है। ऐसे और भी चीजें आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ से दो चीजें पता चलती, एक अगर कोई ऐसी रिपोर्ट फॉर्म, एक ऐसी रिपोर्ट टाइप जो आपको पता ना हो कि क्या होता है, उसकी टैम्पलेट आप यहाँ से लेके आ सकते हैं। दूसरा, आपको अगर जल्दी में कुछ बनाना है, देखिए यहाँ कैलेंडर भी है, यहाँ पे आप कैलेंडर आप इसको ओपन यूज कर सकते हैं। क्लिक कर दीजिए, आपको यहाँ पे पूरे 2022-20 जो भी आपका है, 2022 है, 2020 कर देता हूँ मैं, 2021 कर देता हूँ, तो 2021 का पूरा कैलेंडर आपके सामने दिख गया, पूरा 2021 का फरवरी भी 2021 पूरा आ गया। अब यहाँ आप अपने हिसाब से अपना यहाँ पे आप कैलेंडर यहाँ पे जो देना चाहे अपना दे सकते हैं, टाइप करने का ऑप्शन है और यूज कर सकते, नोट्स वगैरह दे सकते हैं। ओके ओके, अब बात आती है कि मुझे खुद का टेम्पलेट बनाना हो तो कैसे बनाए। अब खुद का टेम्पलेट जरूरत क्यों? अब ऑफिस में जाएंगे रिपोर्ट बनाने के लिए तो आपको एक रिपोर्ट दे दिया कि हाँ ये रिपोर्ट आपको बनाना है, आपको इस तरह से बनाना है। तो आप क्या करेंगे, कल की बनाई रिपोर्ट को ओपन करेंगे, उसको सेव एज करेंगे, फिर आज का नाम देंगे, फिर कल वाला पूरा डेटा को क्लीन करेंगे। तो आपके पास कोई ऐसा समरी है उसकी आप खुद बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा समरी आपके साथ तैयार कर रहा हूँ, डेली सेल्स ट्रैक, छोटा सा बना रहा हूँ सर, मैं मर्ज कर दिया इसको, मैं यहाँ से बड़ा कर देता हूँ, यहाँ से इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, यहाँ पे हम देते हैं टाइम, देते हैं लोकेशन, फिर नीचे अंडरलाइन चाहिए तो हमने इसको सेलेक्ट करके हमारे पास ए बॉर्डर में बॉटम बॉर्डर होता है, हमने अप्लाई कर दिया, यहाँ भी हमने बॉटम बॉर्डर अप्लाई कर दिया। उसके बाद सीरियल नंबर, डेट, नेम, अच्छा प्रोडक्ट, साइज, क्वांटिटी, एमआरपी, प्राइस, स्टॉक, ठीक है, हमने इसको बनाया। और यहाँ से इसको हम यहाँ से बॉर्डर कर देते हैं, फिर यहाँ से एक और यहाँ से डबल बॉर्डर लगाते हैं, टोटल वाला जो बॉर्डर होता है, हमने यहाँ पे टोटल वाला बॉर्डर लगा दिया, यहाँ पे टोटल दे दिया। फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेक
बाय और इस पे मैं ये और टॉप बटन लगा देते हैं और फिर यहाँ पे मैं ऑटो बाय देता हूँ और यहाँ से मैं क्लिक कर दिया। ओके अब मेरा फॉर्मेट बन गया और ज़्यादा बेटर दिखाने के लिए पेज लेआउट पे गया, उसको गिडलाइन हटा दिया, ये मेरा है राइट सर। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं फाइल ओपन करूँ इसी तरह से मुझे ब्लैंक दिखे, राइट समझे? यस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सेव एज करेंगे। सेव एज ब्राउज करके जो सेव एज का जो यहाँ सेव एज टाइप है जो डिफॉल्ट आपका एक्सेल वर्कबुक होता है उसको चेंज करके मैं माइक यहाँ पे एक्सेल टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर एक लोकेशन में हम इसको नाम दे देते हैं सेल्स का और इसको सेव कर देते हैं। सेव कर दिए। अब देखेंगे मेरे डेस्कटॉप पे सेल्स नाम का एक टैग आ गया, देखिए आ गया। yes. समझे सर? yes, yes. अब ये अब इसमें जब ओपन करेंगे जैसे आप कोई नई फाइल खोलते हैं तो क्या होता है बुक वन बुक टू बुक थ्री इस तरह से होता है मैम। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो आप भी यहाँ देखेंगे कि आपका सेल्स वन सेल्स टू सेल्स थ्री होगा। मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। तो सेल्स वन सेल्स टू सेल्स थ्री, देखिए सेल्स वन आ गया, अब ब्लैंक है पूरा। अभी मैं कुछ भी टाइप करके आप जैसे सेव करेंगे तो सेव नहीं सेव एज होगा, मतलब कि आपकी जो ओरिजिनल टेम्पलेट है हमेशा फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो ये चीजें हम कहां से यूज करते हैं, ये चीजें हम टेम्पलेट। तो टेम्पलेट समझ में आ गया क्यों बनाते हैं। तो आप भी अपने ऑफिस के अंदर जो आपके रिपोर्ट्स होंगे उस रिपोर्ट का टेम्पलेट आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है सर? और उसमें आपको बेनिफिट होगा कि आपको हमेशा ब्लैंक आएगा, आपको उसको डिलीट विलीट करने का झंझट नहीं होगा, साथ में आपको पता रहेगा कि हर दिन को कितने रिपोर्ट्स मुझे बनाने हैं। yes. ठीक है सर? yes. अब फाइल में आगे बढ़ते हैं। अब फाइल में अगला आपका ओपन आता है, सॉरी ओपन आया, तो ओपन में आपको यहाँ पे सबसे पहला पिन कैटेगरी आता है जो पिन फाइल्स है, उसके अलावा जो रिसेंटली ओपन है, और इसमें रिसेंट फाइल का जो लिस्ट है थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, इसमें फोल्डर के भी रिसेंट लिस्ट होते हैं। देखिए रिसेंटली आपने जो फोल्डर ओपन किया, बात करते इन्फो। इन्फो मतलब आप फाइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, इसका भी एक यूज है सर। अब ऐसे मान लीजिए कि जो यहाँ पे सेल्स का ही हमने टेम्पलेट बनाया, मुझे नहीं पता कि सेल्स का जो इसके अंदर क्या है, क्योंकि जनरली ऑफिस में हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली नॉर्मल नेम से डेटा समरी रिपोर्ट बुक वन ऐसे नाम दे देते हैं। अब तुरंत आपने फाइल बनाया एक दो दिन तक आपको याद रहता है कि इसमें क्या है, वही फाइल 15-20 दिन 6 महीने के बाद ओपन देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है कि इसके अंदर क्या डेटा है, तो आपको उसको ओपन करना पड़ता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए मेरे पास डेटा वन है, जब मैं इस पर कर्सर रखता हूँ तो मुझे क्या बता रहा है, मुझे सबसे पहले बता रहा है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट है, ऑथर सुजीत कुमार है, टाइटल है दिस एग्जाम्पल डेटा, दिख रहा है सर? yes. इससे मुझे पता चल गया कि एग्जाम्पल डेटा है। उसी तरह से मैंने इस पर क्लिक किया तो मुझे बता रहा है टाइटल में पिवट टेबल डेटा, मुझे इससे पता चल रहा है कि इसके अंदर पिवट टेबल का डेटा है। ठीक है, मोबाइल यहाँ पर देखिए मोबाइल ऐप डेटा है, मेरा मोबाइल ऐप का डेटा है। तो मैं इस फाइल को ओपन किए बगैर कर्सर रख के इसके बारे में पता कर सकता हूँ। तो कैसे होता है, तो इसके लिए आपको फाइल की प्रॉपर्टीज में जाके डिटेल्स में जाके यहाँ पे आपको सारे मैनेज करने, आपका टाइटल आ गया, सब्जेक्ट आ गया, टैग। टैग क्या होता है, सर्चिंग की होता है कि जब आप मान लीजिए सर्च करोगे फोल्डर में जाकर, सर्च के यूज करते हैं ना, फाइल सर्च करते हैं, तो सर्च में आपका फाइल नेम से सर्च होता है, आपको लगता है कि फाइल नेम से आपको याद नहीं रहेगा, आप उसके कोई और भी कई सारे नाम है, जैसे मान लीजिए आपका सेल्स रिपोर्ट है तो सेल्स रिपोर्ट कर सकते हैं, समरी कर सकते हैं, सेल्स अपडेट भी कर सकते हैं ना सर।
तो इस तरह के कीवर्ड्स इसमें आप डाल सकते हैं। आप यहां से भी डाल सकते हैं और फाइल के इन्फो से भी आप डाल सकते हैं। ओके सर, यस। बब सेव है, सेव नॉर्मली फाइल को सेव है, सेव एज करने के लिए यूज किया जाता है। तो फाइल को सेव एज करते समय आप यहाँ से अपना अपना जो लोकेशंस है, नेम्स है और साथ में आपके टाइप्स है। और टाइप में बता दूँ, बाय डिफॉल्ट आपका टाइप एक्सेल वर्कबुक होता है, जिसकी एक्सटेंशन होती है .xlsx। ये आपका हर तरह के डेटा को सेव करता है, लेकिन कोड्स को सेव नहीं करता है। जो VBA माइक्रोज प्रोग्रामिंग होता है, चाहे आपने रिकॉर्ड किया है, आपने खुद से कोडिंग की है, उसको स्टोर नहीं करता है। अगर आपके पास भी माइक्रो फाइल है, किसी ने भेजा हुआ है, उसको सेव एज कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि वो फाइल माइक्रो एनेबल वर्कबुक में आप सेव एज करें, क्योंकि आपने एक्सेल वर्कबुक में सेव कर दिया, सारे माइक्रो डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास एक कोई मास्टर फाइल है, बहुत बड़ी फाइल है, जब भी आप उसको ओपन करते हैं तो काफी टाइम लेता है, तो उसको आप बाइनरी वर्कबुक में सेव कर दें तो आपका साइज जो है वो कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 5 MB की फाइल 5 MB हो जाएगी, और 500 MB की फाइल में हो सकता है कि 100-150 MB रिड्यूस हो जाए, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप डेटा फाइल को कीजिएगा, आपका रिपोर्ट्स और जो फाइल्स में फॉर्मूले फॉर्मेटिंग वगैरह लगा है उसको मत कीजिए, क्योंकि ये चीज कैरी नहीं करता है। उसके बाद बाकी और भी 2003 का जो फाइल है, XML में कर सकते हैं, वेब में कर सकते हैं, टेम्पलेट बना सकते हैं, आप कॉमा सेपरेट फाइल कर सकते हैं, या PDF में सेव कर सकते हैं, एडिट्स में सेव कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी इसकी डिटेल में हम आगे क्लासेस में भी जानेंगे। उसके बाद प्रिंट, आप फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट के बारे में भी हम आपको आगे पेज फॉर्मेटिंग में सिखाएंगे। शेयर की बात करें तो इसको आप जो है मेल के जरिए या PDF के जरिए आप इसको शेयर कर सकते हैं, वन ड्राइव में या फिर अपने मेल में। उसके बाद एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसको आप PDF में, XPS में फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पब्लिश की बात करें, अगर आपने पावर BI को कनेक्ट कर रखा है, पावर BI आपका अगर सिस्टम में है और पावर BI इस फाइल को पावर BI के साथ आपने कनेक्ट कर रखा है, तो जैसे आप पब्लिश करेंगे ये पूरा डेटा पावर BI में अपडेट कर देगा। क्लोज फाइल क्लोज कर सकते हैं। अकाउंट की बात करें तो अकाउंट में क्या है कि आपका जो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है वो चीज यहाँ पे सारा दिखता है। क्या होता है सर, जब माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस 365 है ओवर लेते हैं, तो आपके साथ आपको 1 TB का डेटा स्टोरेज देता है कि आप क्लाउड पे अपने फाइल एंड चीजों को सेव कर सको, ताकि आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सको, किसी भी PC से, मोबाइल से, कहीं से भी आप एक्सेस कर सको लॉगिन के थ्रू। तो उस केस में आपको अपने यहाँ पे डालना पड़ेगा फिर, ताकि आपको वन ड्राइव का यहाँ पे कनेक्टिविटी आ जाए। तो ये चीजें यहाँ पे है कि आप यहाँ साइन इन कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो आपको दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट, अपना एक्सेल को अपडेट करना चाहते हैं अपडेट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक्सेल के हेल्प वगैरह है। इसमें एक चीज़ है फीडबैक का, अगर आप ओरिजिनल एक्सेल यूज करते हैं तो इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इन फ्यूचर में हमें एक्सेल पे ही काम करना है, और जितना बेटर एक्सेल होगा उतना ही हमारा काम कम होगा, राइट सर? तो अगर आपको लगा कि कोई टॉपिक्स में कुछ और एडिशन होना चाहिए या फिर कुछ अलग तरीके के टॉपिक होने चाहिए, तो एक फॉर्मूले की बात कर लीजिए कि आप चाहते हैं कि एक अलग तरह का फॉर्मूला होना चाहिए, राइट? तो वो फॉर्मूला मान लीजिए इसमें नहीं है, तो आप यहाँ पे सजेशन भी लिख कर देंगे तो माइक्रोसॉफ्ट के पास चला जाएगा, और माइक्रोसॉफ्ट हर एक सजेशन को, एक टीम बैठी होती है, हर एक सजेशन को रीड करती है, काम का लगता है तो उसको नोट डाउन करती है, क्योंकि एक्सेल इको जो नए फॉर्मूले और नए फीचर्स आ रहे हैं वो इसी सजेशन की नतीजा है, ठीक है? ओके, सजेशन हो गया, कुछ भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ऑप्शंस की। ये एक्सेल की सेटिंग है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठ के आता है जो जनरली स्टूडेंट हमारे साथ करते हैं कि आप हमें पहली या दूसरी क्लास में सेटिंग क्यों पढ़ाते हैं। तो एक्सेल की सेटिंग है, हम बच्चे ना जब हम बच्चे थे तो हमारे पास जो मोबाइल्स होते थे, पापा का मोबाइल होता था नोकिया 1100 और 1600 समथिंग, पापा छुड़ी नहीं देता यार, तो सेटिंग खराब कर देगा, तो खराब सेटिंग बिगड़ जाएगा इसका, तो सेटिंग करेंगे तो यहाँ भी बिगड़ सकता है, क्योंकि अभी नए हैं हम एक्सेल में। देखिए सेटिंग इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरा मानना है
कि जब आप कुछ यूज करते हो तो उसको अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सेट करते हो। जैसे आप नया मोबाइल फोन ही ले रहे हैं तो जब उसको रिंगटोन, उसका वॉलपेपर, उसका अलार्म, उसका ब्राइटनेस पहले से डिफॉल्ट सेट होता है, फिर भी उसको हम अपने हिसाब से सेट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेरे इन्वायरमेंट मतलब मेरे वातावरण में इन्वायरमेंट के लिए फिट होता है, अगर मुझे पसंद है उस हिसाब से। तो एक्सेल सेटिंग में कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि आपको काम करते समय प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो ऐसे ऑप्शंस, ऐसे सेटिंग्स को हम एक्सेल सेटिंग के जरिए चेंज करते हैं। लेकिन ये चीजें हम आज आपको नहीं बताएंगे क्योंकि मैं एक दिन में दो टॉपिक नहीं बढ़ाता, क्योंकि दोनों फिर खिचड़ी हो जाती है, मिक्स हो जाती है, राइट सर? अब इसमें बात करते हैं को इसकी होमवर्क्स की। तो आपको दो चीजें करनी है, दो नहीं तीन चीजें, माफ कीजिएगा। पहला, हमने आपको थोड़ी देर पहले लिमिट सर्च करके दिखाया था, राइट? हेलो, राइट यहां पे सर्च ऊपर दिख रहा है, सर्च में लिमिट्स। तो जो लिमिट है, इस लिमिट को आपको थोड़ा सा पढ़ना है। इसमें आपको एक्सेल की हर फीचर की मैक्सिमम लिमिट दी गई है, जैसे कि एक बार में कितने फाइल आप ओपन कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ रो एंड कॉलम है, कितना कॉलम का विड्थ कर सकते हैं, कितने शीट्स ऐड कर सकते हैं, एक्सेल में कितने टाइप कर सकते हैं। अब बोलेंगे सर इसका क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट है, जैसे मान लीजिए कैरेक्टर की बात कर लीजिए, राइट? अब कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर इफ के अंदर हम कितने नेस्टेड इफ फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसका कोई लिमिट डिफाइन नहीं है, लेकिन फॉर्मूला के अंदर जो आप करेक्टर टाइप कर रहे हैं, अगर वो करेक्टर 32,767 से ऊपर गया तो आपका फॉर्मूला काम करना बंद कर देगा। ओके समझ गए ना? जी इसी तरह से आप मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ शीट्स कितना इंसर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखता है? लिमिटेड बाई अवेलेबल मेमोरी, दिख रहा है सर कि आप कितने शीट इंसर्ट कर सकते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं 256, या कुछ लोग बोलते हैं अनलिमिटेड, दोनों गलत है। ये 256 तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे साफ बता रहा कर रहा है कि लिमिटेड बाय अवेलेबल मेमोरी। अब 256 क्यों लोग बोल देते हैं? वो यहाँ ऑप्शन में आते हैं और यहाँ जो होता है ना इंक्लूड हाउ मेनी शीट्स वेन द ओपकेटिंग फाइल, दिख रहा है ना सर? तो यहाँ पे जब कर्सर रखते हैं तो ये इसकी जो है 255 मैक्सिमम लिमिट है, कि एक बार में आप 256 शीट्स इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ कर्सर रखने पे दिखता है, बट ये इस वर्जन पे नहीं दिखता है। पुराने वर्जन ओपन करेंगे 2007-13, वहाँ दिखेगा आपको कर्सर रखते दिखेगा 12256 लिखा हुआ आएगा। तो लोग समझते हैं कि इसका मैक्सिमम लिमिट है, ऐसा नहीं है, ठीक है? अगर हम अनलिमिटेड कहते हैं ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि जो भी हम जब भी कोई सीट इंसर्ट करते हैं, हमारे मेमोरी में थोड़ा या बहुत कहीं ना कहीं एक स्पेस कैप्चर होता है, 1-2 बाइट कुछ ना कुछ स्पेस तो कैप्चर होता ही ना सर? क्या सर, आप कोई भी काम करते, जैसे मान लीजिए मैंने एक्स A1 पे मान लीजिए 100 लिख दिया, तो 100 टाइप करते ही ए इसने मेमोरी में थोड़ा सा स्पेस तो कैप्चर किया ना सर? यस अब मान लीजिए हम 100 लिखते जा लिखते जा लिखते जा, तो कभी ना कभी तो स्पेस फुल होगा, क्योंकि मेरे सिस्टम या कोई भी ऐसा कंप्यूटर नहीं निकला जो अनलिमिटेड हार्ड डिस्क हो, अनलिमिटेड रैम। क्या कभी ना कभी साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल 100 साल में फुल तो होगा ना सर? यस इसलिए हम यहां बोल सकते हैं कि लिमिट इज नॉट डिफाइंड, डिपेंड ऑन सिस्टम कैपेसिटी। ओके, तो इस ओके लिमिट को एक बार पढ़ लीजिएगा। लिमिट को पढ़ने के बाद दूसरा जो आएगा वो आएगा आपको शॉर्टकट को पढ़ना है, ठीक है? कीवर्ड शॉर्टकट, राइट? अब सी कीवर्ड शॉर्टकट को जानना क्यों जरूरी है, जानने की समझ जाइए। होता है क्या है कि आप माउस से जब यूज करते हैं और कीबोर्ड से जब यूज कर इस्तेमाल करते हैं, अगर आप माउस की अपेक्षा कीबोर्ड से जब काम करते हैं तो आपका स्पीड 30% बढ़ जाता है, ऐसा कई सारे रिसर्च करते हैं और इस चीज को मैं भी एग्री करता हूँ, ठीक है? तो 30% इसका स्पीड बढ़ जाता है, तो इसलिए आप कीबोर्ड। दूसरा ये भी समझिए कि कहीं इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं, राइट? और आपको एक्सेल पे दे दिया काम, आप खटाखट 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 इस तरह की आवाज से काम कर रहे हो, सामने वाला पर्सन देख के जो है ना इम्प्रेस हो जाएगा कि हाँ ही हैज एक्सपीरियंस, क्योंकि
कीवर्ड का शॉर्टकट रट्टा मारने से नहीं, यूज करने से समझ में आता है। क्योंकि उंगली को आप देखते होंगे एंटर मारने के लिए आपको ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता है, या कंट्रोल सी करने के लिए आपको कीबोर्ड नहीं देखना पड़ता है, क्योंकि आप इसको बहुत बार यूज करते हो ना, इसलिए। तीसरा जो आपको स्टडी करना है, वो स्टडी करना है आपको न्यू के अंदर टेम्पलेट्स को, ठीक है। टेम्पलेट्स स्टडी करने का इसलिए बोल रहा हूँ ताकि टेम्पलेट्स स्टडी करने से आपको दिमाग में आइडिया आएगा कि एक्सेल से मैं किस तरह का फॉर्मेटिंग करूंगा, किस तरह की चीजें डालूंगा, कैसे क्या हो सकती है, ये आपको आइडिया आएगा। तो जस्ट आपको 15-20 टेम्पलेट डाउनलोड करके उसको रिव्यू करना है, ओके। यस तो आज की मैं क्लास यहीं पे खत्म करता हूँ।